अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करनी है इम्तिहानात के हवाले से, साथ ही साथ गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से और जो प्रमोशन का मामला है उसके बारे में तमाम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 28 जुलाई को। इस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले जेरे दौर हैं, क्या तजावीज पेश की जा रही हैं, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो इसलिए टिल एंड जुड़े रहे मेरे साथ। और साथ ही साथ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त जो कंडीशन है COVID-19 की फोर्थ वेव की वजह से पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, केसेस काफी देखने में आ रहे हैं, काफी सामने आ रहे हैं, इवन के बहुत सारी डेथ्स भी हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एजुकेशनल मिनिस्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है कोई भी फैसला करना। जहां तक बात है 10th और 12th के एग्जाम्स, उनके एग्जाम्स बहुत ज्यादा जरूरी थे क्योंकि उनके एग्जाम्स के बगैर उनको कोई प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं था जिसकी बेसिस पे प्रमोट किया जाए। 9th और 11th के लिए ऐसी सिचुएशन नहीं है, 9th और 11th को प्रमोट किया जा सकता है। क्या डिसीजन लिया जाएगा मीटिंग्स में, वो जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आएंगी वो हम ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपके लिए ये कि मौसमी गर्मी की छुट्टियों में इजाफा होगा या नहीं, इस हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है वो परसों होने जा रही है। साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस की जो सदारत है वो वजीर तालीम शफकत महमूद साहब करेंगे। और इसके अलावा ये भी डिस्कशन की जाएगी कि क्या 14 अगस्त तक छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए और क्या इम्तिहानात 9वीं और 11वीं के मनसूख कर दिए जाएं, उसकी तजवीज भी जेर गौर है। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री जो एग्जाम्स है ना उनके हवाले से कुछ फैसले सामने आने का इम्कान है। क्या फर्दर न्यूज होती है, क्या अनाउंसमेंट सामने आती है, शफकत महमूद साहब की तरफ से क्या फैसले किए जाते हैं, वो तमाम डिटेल्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। Wish you all the best. Thank you for watching my channel. Stay tuned. Allah Hafiz.